नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका एक और नए यूनिक्स लाइव के टिप्स एंड ट्रिक ट्यूटोरियल वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे करते हैं डबल ब्लॉक रीफायर, क्योंकि इस चीज की, इस ट्रिक की आपने कमेंट्स में बहुत सारे रिक्वेस्ट भर दी थी, तो आज फाइनली ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। एंड आज के वीडियो में आपको मिलने वाले हैं 3 रिडीम कोड्स। एंड आज के बाद जो भी वीडियो आएगी मेरी, हर वीडियो में 3 रिडीम कोड्स मिलेंगे। तो सबसे पहले वीडियो देखें, सबसे पहले रिडीम कोड अपना रिडीम करें प्ले स्टोर पर। आपसे पहले अगर किसी और ने कर दिया तो वो रिडीम कोड आप नहीं यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो देखने के लिए बस दबा देना सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन। 3 रिडीम कोड है, याद रखना, वीडियो के बीच में कहीं पर भी आ जाएंगे। बढ़ते हैं अपने स्टेप्स की ओर। स्टेप्स हैं कुछ इस तरह, पहला है एज जंप, दूसरा है गो अवे एंड रोटेट, तीसरा है जंप अगेन, चौथा स्टेप नहीं है, बोनस स्टेप है, लास्ट में मिलेगी, बहुत खतरनाक है, तो लास्ट तक वीडियो देखना। आज का वीडियो तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो इसको तो पूरा ही देखना भाई, मजा सा ही आ जाएगा इस वीडियो में, ठीक है गाइस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो हैं वो मेरे वीडियोस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं और कहते हैं मुझे लाइव स्ट्रीम में आके यहाँ कमेंट सेक्शन में कि भाई ट्रिक नहीं हो रही, तो भाई प्रैक्टिस किया करो ना यार, प्रैक्टिस किया करो तो आपकी ट्रिक आसानी से हो जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ अपन बढ़ते हैं अपने पहले स्टेप की ओर, जो कि रहेगा एज जंप, ठीक है। आपको करना है एज जंप, जिसमें कुछ आपको पता ही है यार, हर वीडियो में बताता ही रहता हूं मैं कि एज जंप किस तरह करना है। देखें यहां पर एक आपको येलो लाइन दिख रही होगी, जैसे ही यहां पर आप पहुंचे आपको करना है जंप। ये हर मैप में अलग अलग हो सकती है, लेजेंडरी में येलो है, ब्लॉक डैश में ये पर्पल होती है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखें ये रही येलो लाइन यानी कि एज लाइन, एंड इस एज लाइन से आपको करना है जंप, बैक जंप, पीछे की ओर देख के, आगे की ओर देख के मत करना वरना नीचे खड्डे में गिर जाओगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह आपको करना है एज लाइन से जंप। पहला स्टेप वाओ, वो भी गया कंप्लीट, इतना इजी, अरे पूरा ट्रिक ही इजी है मेरी जान। तो चलें दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो कि रहेगा गो अवे एंड रोटेट, ठीक है। पहला स्टेप करने के बाद जो कि है एज लाइन, उसके बाद आपको ये करना है एज लाइन जंप, उसके बाद आपको ये करना है दूसरा स्टेप जो कि है गो अवे एंड रोटेट। गो अवे कहाँ से, ब्लॉक्स के थोड़ा सा दूर जाना है और लेजर के भी, ठीक है। देखें सबसे पहले आपको ये येलो लाइन से एज जंप करना है, फिर वेट करना है एक ब्लॉक के नीचे जाने का, जैसे वो नीचे जाए आपको रोटेट करना है, ठीक है। इजी इजी गाइस, ये हो चुका है अपना दूसरा स्टेप कंप्लीट। एक बार फिर दिखा देता हूँ, देखें एज लाइन से मैंने जंप किया, एक ब्लॉक नीचे गया, तब तक मैंने रोटेट कर लिया, एंड फिर तीसरा स्टेप आएगा आएगा, रुको जरा सबर करो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप की ओर, जो कि रहेगा जंप अगेन, आपको वापस से जंप करना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरह से क्या करना है, ठीक है। तो कुछ पूरा ट्रिक बताता हूँ मैं। एज लाइन से फर्स्ट स्टेप में आपको करना है जंप, वेट एंड रोटेट करना है, जैसे डबल ब्लॉक का एक ब्लॉक नीचे जाए, एंड फिर से आपको जंप दबा कर लैंड पर वापस आ जाना है, ठीक है, जहां पर अपन ब्लॉक डैश खेलते हैं। यार इतना इजी स्टेप, वाओ, ये तो बहुत इजी ट्रिक थी, रुको जरा सबर करो, बोनस टिप भी आने वाली है। ये ट्रिक आपके लिए 90% इजी जरूर हो गई होगी, लेकिन बोनस टिप के साथ ये ट्रिक आपके लिए 100% इजी हो जाएगी। सो ये रही बोनस टिप, आ चुका है बोनस टिप का वक्त, एंड बोनस जंप कर रहे हो जब आप ये ट्रिक कर रहे हो, पूरी समझे, जब ये आप पूरी ट्रिक कर रहे हो तो आपको लास्ट में स्पैचुला जो इमोट रहता है वो दबाना है। देखिए लजीत ने यही किया, एज लाइन जब, वेट एंड रोटेट, वापस लैंड पे, एंड पचूला दबा दिया लेजर से, लेजर में जाने से बचने के लिए, ठीक है। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है, जैसे ही आप लैंड पे पहुंचे पचूला दबा देना है, जैसे कि आपका प्लेयर सीधा खड़ा हो जाए और लेजर को वो डॉज कर ले, लेजर में जाने से बच जाए, ठीक है गाइस। तो यही थी अपनी कुछ ऐसी ट्रिक, एंड ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ये ट्रिक की प्रैक्टिस जरूर करना, डेली 4 बजे लाइव स्ट्रीम करता हूँ, आ जाना प्रैक्टिस करने। कमेंट्स में फालतू में बजना नहीं कि भाई ट्रिक का नहीं हो रही भैया, ट्रिक नहीं हो रही भैया, ऐसा नहीं बोलना है, तुमको प्रैक्टिस करनी है पूरी। जिसकी भी स्ट्रीम पे जाओ, मेरी स्ट्रीम पे आओ, कहीं पर भी जाओ, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। एक गेम, दो गेम, 15 गेम, 20 गेम प्रैक्टिस करने में बहुत गेम्स लगेंगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट but not woman.